आंसर निकालने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि क्वेश्चन आपको क्या सिखा के गया या आपने क्वेश्चन से क्या सीखा। तो हम देखने वाले हैं आज रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन जो सिखा रहा है हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। दिस इज सुमित शर्मा एंड यू आर वॉचिंग B.sc ट्यूटोरियल्स विद मी। एंड बिफोर प्रोसीड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग। सारे वीडियोस देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो लिंक पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। हमें वाई दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है आर ओ सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला होता है, ये सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, नीचे डबल डेरिवेटिव आता है। सिंगल डेरिवेटिव कहाँ से आएगा, ये वाई दिया हो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव के लिए दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले ही यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई टू डाल सकते थे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं, लेकिन हमने नहीं किया है। हमने पहले इसको क्या किया, इसकी वैल्यू क्या किया, यहाँ पर डाल दिया। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाला, डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ डाला। ठीक है ना, ये जो मैंने किया ये आप मत कीजिएगा। ठीक है, पहले ही यहाँ पर एक्स इक्वल टू पाई बाई टू यहाँ डाल दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आए यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद सीधे कांस्टेंट उठा करके जो डी वाई बी डी एक्स इसकी जो वैल्यू है या इसकी जो वैल्यू है उठा के यहाँ डाल दीजिए, काम हो जाएगा। तो ये जो मैंने एक्सपेंड किया है इसको, ठीक है ना, ये गलती मत कीजिए, ये मैंने जानबूझ के एक्सपेंड किया है। और मैंने देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, ये दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये इतना लंबा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कुछ लोग दिमाग फेल हो जाए वहाँ पर, सोच ना पाए दिमाग, क्योंकि हम मोस्टली क्वेश्चन में हमें B.sc कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है हमेशा कि क्वेश्चन टफ होगा। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन टफ हो, हो सकता है आप सोच टफ रहे हो, क्वेश्चन बहुत इजी हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम रो एक्स, मैंने ये स्टेप लिखा है, इसके अगले स्टेप में वैल्यू डाली है। तो वैल्यू डालेंगे तो ऐसे ही ये सब सॉल्व होकर 4.0 नहीं लिखा है, ये 4 × 0 लिखा है, तो ये 0 हो गया प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो देखिए 5 आ गया, 5 की पावर 3/2 होल। देखिए 4.0 यानी 4 × 0 -4 × 1। मैंने पहले ही बताया ये -1 को कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मॉड ऑफ रो ले लेते हैं, यानी पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये आ गई 5√5/4, तो ये हमारा आंसर सही है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, वरना बहुत लॉस हो सकता है आपका, क्योंकि हर रोज़ दो वीडियो आते रहते हैं B.sc और B.tech के रिगार्डिंग। तो प्लेलिस्ट में अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो की प्लेलिस्ट का नाम उसके लिंक के साथ पड़ा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट हो। ठीक है।